मैं हिमानी शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉलीबॉल। और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं ये उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की या जो बच्चे बीपी कर रहे हैं बीपीएड कर रहे हैं एमपीएड कर रहे हैं और इन सभी का मैं आज आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री बताऊंगी, मेजरमेंट बताऊंगी कि वॉलीबॉल का क्या मेजरमेंट होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुआ। और जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती है जिसमें आपको कोई एक गेम लिखना होता है, जो भी आपका गेम है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके आपका रूल्स पता चलेंगे, आपको मेजरमेंट पता चलेगी तो आप लोग अच्छे से प्रोजेक्ट बना पाएंगे। और जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, आपका वाइवा होता है तो उस दौरान भी आप क्वेश्चंस अगर आपको पता होंगे, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज होगी गेम के बारे में और आप वो आंसर दे पाएंगे। तो हम बात करते हैं वॉलीबॉल की। तो वॉलीबॉल है क्या? वॉली मीन्स होता है हवा, एयर, और बॉल बॉल यानी बॉल को कंटिन्यू हवा में रखते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल को पहले मिंटोनेट के नाम से भी जाना जाता था, जो पुराना नाम है वो मिंटोनेट है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ तो वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको पूछ लिया जाता है, कोई नाम दे दिए जाते हैं उनमें से आपको पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट है, या ईयर दे दिए जाएंगे तो वो पूछा जाएगा आपसे कि कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ। तो वही चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठनी है। तो जो हमारा नेशनल गेम है ये कहाँ का नेशनल गेम है? ये श्रीलंका का नेशनल गेम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन है? अमेरिका के विलियम जी मॉर्गन जो है वो वॉलीबॉल की खोजकर्ता है, जिन्होंने 1895 में वॉलीबॉल की खोज की थी। उसके बाद जो हमारे विश्व की प्रथम प्रतियोगिता है वो 1922 में न्यूयॉर्क द्वारा YMCA में की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1936 में लाहौर में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई और कहां पर हुई। इसी तरह से पूछ सकते हैं विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कहां हुई और कब हुई। ठीक है, तो ये आपका 1922 में हुई है और जो आपकी भारत की प्रथम प्रतियोगिता हुई है वो आपकी 1936 में हुई है। उसके बाद बात करते हैं FIVB। अब ये क्या होती है? ये है आपकी इंटरनेशनल यानी जो आपकी अंतरराष्ट्रीय लेवल की फेडरेशन है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि FIVB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रहे बच्चों कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल ये आपको याद होना चाहिए, ये नाम आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की फेडरेशन है उसकी जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। और ये जो एस्टैब्लिश हुई थी ये 1947 में एस्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल है विश्व संघ है स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 1947 में। उसके बाद जो इसका मुख्यालय है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लोसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है हमारा। अब इनकी बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष यानी कि हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट कौन है, तो एरिक ड्रेका जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं। ये याद रहे कि पूछा जाता है कि हमारे जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल वॉलीबॉल है वो उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? एरिक ड्रेका। और याद रहे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि AVC। ये पूछा जाता है कि AVC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन। और ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? ये 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी। आपको ईयर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। याद रहे बच्चों कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। और हमने जब इंटरनेशनल की बात की थी तो वो है आपका लोसाने स्विट्जरलैंड में, और ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1947 में, और जो एशियन है वो हुआ है 1952 में। उसके बाद बात करते हैं इनके प्रेसिडेंट की कि हमारे जो एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन है इनके आपके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर साले बिन नासिर, जो सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं। ये याद रहे आपको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन लेवल पे आ जाते हैं कि हमारी जब इंडिया की टीम जाती है वो कैसे वहां पर प्रेजेंट करती है या कैसे सिलेक्शन होता है, वो कौन सी फेडरेशन है हमारी? देखिए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी VFI, ये एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 1951 में।
ये याद रखना है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और FIVB भी आपकी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो इनके अभी के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो अच्युत सामंत है, अभी के जो प्रेसिडेंट है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है, सभी के हेडक्वार्टर याद रखने हैं, सभी के आपको प्रेसिडेंट लर्न रखना है, वो कब एस्टैब्लिश हुए वो लर्न रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा वॉलीबॉल है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1964 टोक्यो जापान में वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक में 1964 टोक्यो जापान में। उसके बाद बात करते हैं हम एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 1958 ये भी टोक्यो जापान में ही शामिल हुआ था, जब एशियन गेम्स में से लाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता ही होगा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। तो आप जब देखोगे तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ज्यादातर आपको प्रथम या प्रेजेंट टाइम में किन्हें अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद अवार्ड ये सब मिले हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो 1961 में जब अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था तो प्रथम जो मिला था ए पलानी स्वामी, ठीक है, ये याद रखना है, ये आपका आ सकता है। उसके बाद है 1990 में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला था ए रमन्ना राव, ठीक है, याद रहेगा ए रमन्ना राव। उसके बाद बात करते हैं 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार मिला था श्री ओम प्रकाश को, ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी गेम होते हैं तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो रहे हैं, उनके कुछ ट्रॉफीज और आपके कप होते हैं वो बात करते हैं कि वॉलीबॉल में कौन से हैं। आप देखिए आपका फेडरेशन कप है, हम दोनों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों लेवल की बात कर रहे हैं। फेडरेशन कप, इंद्र एस प्रधान ट्रॉफी, सुपर चैलेंज कप, पूर्णिमा ट्रॉफी। अब पूर्णिमा ट्रॉफी की बात करें, ये नेशनल लेवल की और वुमेन्स के लिए होती है, इसको आपको खास ध्यान रखना है और ये आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है मपाकट्टू एनम जॉर्जव ट्रॉफी, ये आपकी नेशनल लेवल की मैथ्स के लिए होती है, ध्यान रखना है। मपाकट्टू एमएम जोजफ ट्रॉफी आपके नेशनल लेवल की मैथ्स के लिए होती है और जो पूर्णिमा ट्रॉफी है वो आपकी नेशनल लेवल की वुमेन्स के लिए होती है। आपको याद रखने वाली बात है क्योंकि आपको पूछा जाता है फेडरेशन कप, ये सब चीजें आपको पूछ ली जाती है एग्जाम में, वन मार्क्स में आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद बात करते हैं हम शिवांती गोल्ड कप, एशिया कप, विश्व कप, ये बहुत सारे कप और आपके ट्रॉफीज हैं जो आपकी वॉलीबॉल गेम में होती है, जो हमारी टूर्नामेंट्स होती है हम उन्हें इन नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खेल शब्दावली की, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है एग्जाम में पूछ लेते हैं, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए बी सी डी करके, और उसमें से या तो तीन कोई शब्दावली ऐसी दे दी जाती है जो एक गेम से जुड़ी हुई होती है और एक अलग होती है, तो उसमें से हमें एक और नंबर निकालना होता है, कोई एक और दिया हो जाता है, तो इसी तरह से हमें इनकी शब्दावली पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल में कौन कौन सी शब्दावली होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, इसे स्पाइकर भी बोला जाता है, रोटेशन, डिग पास, नेट फोल्ड, डबल फोल्ड, हुक सर्व, एरियल, फ्लोटर, सेटअप, ये क्या होते हैं, ये हमारी खेल शब्दावली है वॉलीबॉल में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने ये देखा, अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के मेजरमेंट की, कि हमारा जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है उसके लिए हमें कितना एरिया चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या होता है, नेट की हाइट क्या होती है, पोल हाइट क्या होती है, बॉल का वेट क्या होता है, उसका एयर प्रेशर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में और कौन से जोन होते हैं हमारे वॉलीबॉल कोर्ट में उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की। तो जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 18 मीटर, 18 मीटर लंबा होता है हमारा वॉलीबॉल कोर्ट, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है 18 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 मीटर। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि वॉलीबॉल कोर्ट की लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है, तो 18 by 9 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा कोर्ट होता है इसकी जो शेप होती है वो होती है हमारी रेक्टेंगल, ये आयताकार आकार का होता है। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो आपके उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है और ये भी क्वेश्चन आपका आता है। आप नोट डाउन करते जाएं साथ में कि जो इसकी शेप होती है वो आयताकार होती है, रेक्टेंगल होती है,
इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, उत्तर से दक्षिण होती है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 18 by 9 meter। आपको ये सही करना है, 9 into 18 नहीं लिखना है, ये गलत होता है। तो आपको क्या करना है, 18 by 9 meter करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारा हाफ एरिया तक अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा, क्योंकि 9 meter ये हो गया और 9 meter ये हो गया, और इधर भी हाफ कोर्ट की बात करें तो 9 meter और 9 meter हो गया। तो ये अगर हम इनकी जॉन की बात करें तो जो ये होता है इसे बोलते हैं बैक जॉन। यहाँ पर भी हमारे 3 players होते हैं, यहाँ पर ये होता है हमारा फ्रंट जॉन या अटैकिंग एरिया भी इस एरिया को बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये होती है हमारी साइड लाइन। हमारे पास दो साइड लाइन होती है, ये साइड लाइन होती है और यहाँ पर साइड लाइन होती है, इसे बोलते हैं हम अटैक लाइन। ध्यान रहे ये हमारी अटैक लाइन होती है जो सेंटर लाइन से 3 meter की दूरी पर होती है। इसका डिस्टेंस कितना होता है, अटैक लाइन का सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3 meter, और अटैक लाइन से अगर हम सर्विस लाइन या एंड लाइन की बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं या तो फिर एंड लाइन भी हम इसे बोलते हैं। तो ये जो दूरी होती है ये होती है 6 meter, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने देखा कि ये साइड लाइन होती है, ये एंड लाइन या सर्विस लाइन होती है, ये आपकी अटैक लाइन होती है, और इसे कहा जाता है आपकी सेंटर लाइन। कौन सी लाइन होती है, ये होती है हमारी सेंटर लाइन। उसके बाद हम बात करते हैं, ये होता है हमारा सर्विस जोन। इसे क्या कहते हैं, सर्विस जोन कहते हैं। सर्विस जोन हमारा मिनिमम 3 meter होना चाहिए और मैक्सिमम 6.5 होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, लंबाई इसकी 9 meter होनी चाहिए, यानी 9 by 3 meter हो सकता है या 9 by 6.5 meter हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्विस जोन आपको पता होना चाहिए कि कितने मीटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे दो पोल लगे होते हैं, एक इस साइड हमारे पोल होता है और एक यहाँ पर हमारे पोल होता है, और पोल के ऊपर हमारा नेट बंधा होता है। तो जो हमारे पोल है उनकी जो हाइट होती है वो 2.55 होती है और वो एडजस्टेबल होना चाहिए, जिसको एडजस्ट कर सके। और जो हमारे पोल का कलर होता है वो होता है व्हाइट। ध्यान रहे पोल का कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक नेट बंधा होता है, तो नेट की अगर हम बात करें तो नेट की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 1 meter होती है। अगर हम ऐसे बात करें विड्थ की, तो नेट की जो विड्थ होती है वो 1 meter होती है, और अगर हम लेंथ की बात करें तो 9.50 से 10 मीटर तक हमारे नेट की हाइट होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एक बॉक्सेस बने होते हैं जिन्हें मैसल्स कहते हैं, इनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 10 by 10 centimeter होती है, 10 by 10 centimeter होती है, और ये हमारे नेट में लगभग 1000 होते हैं। अगर हमारे 10 meter का नेट है तो उसमें कितने होंगे, 1000 होंगे। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज की हाइट में डिफरेंस होता है, इसीलिए गर्ल्स के लिए जो नेट की हाइट होती है वो होती है 2.4 meter, 2.24 meter गर्ल्स के लिए नेट की हाइट होती है, और बॉयज के लिए जो होती है 2.43 meter। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नेट की हाइट भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बॉयज के लिए नेट की हाइट कितनी है और वुमेन्स के लिए नेट की हाइट कितनी है, तो आपको ये याद रखना है। पोल की हाइट हमने बात की थी। उसके बाद इस पे दो एंटीने लगे होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनकी जो हाइट होती है वो होती है 1.80 meter। ये ध्यान रहे 1.80 meter, यानी जो बल होता है वो तो आपका नेट में लगा होता है, और जो 80 सेंटीमीटर होती है वो आपकी नेट के बाहर होती है, अब होती है। और इसको लगाने का भी एक कारण है कि जब प्लेयर सर्विस करता है तो जो बॉल जा रही है वो नेट के बीच से ही जानी चाहिए। लाइक अगर बॉल यहाँ से जा रही है तो वो सही है, लेकिन अगर वो बॉल यहाँ से जा रही है तो वो गलत है। तो इस चीज को भी जजमेंट करने के लिए रेफरी डिसाइड करता है। अब जो हमारी एंटीना होता है वो दो कलर का होता है, व्हाइट एंड रेड। ये ध्यान रहे व्हाइट एंड रेड कलर का होता है, जिसमें 10 centimeter रेड व्हाइट और 10 centimeter आपका रेड रहता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 7 centimeter की कैनवास लगी होती है, जो ऊपर एक पट्टी होती है वहां क्या लगी होती है, 7 centimeter की कैनवास लगी होती है, नीचे 5 centimeter, नीचे आपकी 5 centimeter की कैनवास लगी होती है, और दोनों साइड में जहां पर आपके एंटीना होते हैं वहां पे भी आपकी कैनवास लगी होती है।
जो हमारा 7 सेंटीमीटर का है ये केबल के द्वारा बांधा जाता है और यहाँ पर एक कॉर्ड भी होती है, ऐसे ही आपके नीचे भी इसको कॉर्ड के द्वारा सेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिब्रो, लिब्रो जॉब, सब्स्टिट्यूशन जॉब, टीम बेंच, स्कोरर टेबल बेंच, ये क्या होता है? कई बार हमें पता ही नहीं होता कि जो हमारा लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन है वो कहाँ होता है, या हमारा सब्स्टिट्यूशन जोन कहाँ है, या हमारी टीम जो है वो कहाँ बैठेगी, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इमेज को ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पर आपको शो किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन जोन है कि जो आपके सब्स्टिट्यूट होंगे प्लेयर। हमारे वॉलीबॉल गेम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 12 होते हैं। कितने प्लेयर्स खेलते हैं हमारे? 12 प्लेयर्स हमारे खेलते हैं वॉलीबॉल में। अगर हम प्लेइंग की बात करें तो 6 प्लेयर्स हमारे खेलते हैं, जिसमें हमारे 2 लिब्रो होते हैं, लिब्रो खिलाड़ी। एक गेम के समय एक लिब्रो खेलता है और उसके सब्स्टिट्यूशन में दूसरा लिब्रो चेंज किया जाता है। तो जो हमारे सब्स्टिट्यूट होंगे, जो हमारे प्लेयर्स चेंज होंगे, वो यहाँ से होंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जोन बोला जाता है इसे। अब इसके बाद हम बात करें, ये होता है हमारा लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन। ये कौन सा जोन है हमारा? लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन, यानी कि यहाँ से हमारे लिब्रो रिप्लेसमेंट होगा। उसके बाद इसी के पीछे जो इनकी टीम होती है उनके लिए यहाँ पे बेंच लगाई जाती है, यहाँ पर वो टीम बैठती है। ये स्कोरर टेबल होती है, यहाँ पर स्कोरिंग की जाती है, और इधर दूसरी टीम बैठी होगी आपकी। इसी तरह से आपका वार्म अप एरिया होता है वॉलीबॉल कोर्ट में। आप देखोगे यहाँ पर 3x3 यानी 3x3 मीटर का आपका वार्मिंग अप एरिया होता है, यहाँ पर एक टीम के लिए और यहाँ पर दूसरी टीम के लिए होता है। अगर हम बात करें कि वॉलीबॉल में हमें टोटल एरिया कितना चाहिए, तो मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो 24 मीटर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 31 मीटर होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉल की, कि जिस तरह खेल रहे हैं हम, सर्विस करता है प्लेयर, तो हम बॉल की बात करेंगे, बॉल से खेला जा रहा है, तो जो बॉल का वेट होता है वो वेट होता है 260 से 280 ग्राम। कितना होता है? 260 से 280 ग्राम होता है। और जो बॉल का सर्कमफेरेंस होता है वो होता है आपका 65 से 67 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है और आप साथ साथ नोट भी करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें एयर प्रेशर कितना होता है, तो जो एयर का प्रेशर होता है 0.302 0.325 kg/cm², ठीक है। तो ये आपको चीज को ध्यान रखना है कि बॉल का वेट क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होते हैं और उसका एयर प्रेशर क्या होता है। फिर हमने नेट की बात की है, एंटीना की बात की है, एंटीना किस कलर का होता है, कितना सेंटीमीटर उसकी हाइट है, नेट की हाइट, प्लेयर्स कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने होते हैं वॉलीबॉल में, सर्विस जोन कितने मीटर का होता है, टोटल एरिया हमें कितना चाहिए, साइड लाइन कौन सी होती है, अटैक लाइन कौन सी होती है, सेंटर लाइन क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने बात की है, उनके मेजरमेंट की बात की है। लेकिन वॉलीबॉल के टॉपिक्स अभी खत्म नहीं हो जाते, वॉलीबॉल एक लंबा बहुत बड़ा है, क्योंकि तो ये अगर हम मैं इसमें ही आपको सारा कुछ बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें, इसकी सीलिंग की हाइट की बात करें कि इसकी सीलिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा वॉलीबॉल गेम है वो इंडोर और आउटडोर दोनों होता है, ये बाहर भी खेला जाता है और अंदर भी खेला जाता है। क्योंकि अगर आप बीच की बात करें, बीच वॉलीबॉल जिसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा आउटडोर है। अगर इंडोर की बात करें तो वो हमारे सिंथेटिक कोर्ट पर या तो फिर वुडन कोर्ट पर खेला जाता है, और उसकी सीलिंग की हाइट होनी चाहिए 12.5 मीटर, यानी कि सीलिंग की हाइट कितनी होगी, 12.5 मीटर आपकी सीलिंग की हाइट होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको उसकी हिस्ट्री और मेजरमेंट के बारे में बताया है। अब जो इसकी स्किल्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको स्किल्स और जो भी इसका टेम्परेचर होता है, इसमें कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में आपको इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तो आपको पहले पार्ट 1 देखना है, नोट्स बनाने हैं और अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।